जैसे हमने 46 को मल्टीप्लाई करना है 58 से, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि आपने जो आपके पास 8 और 6 जो इकाई के अंक है ना, 6 और 8, इन दोनों को आपने आपस में गुणा करना है। तो बताओ 6 को 8 से गुणा करके कितना, 48। 6 8 48। 48 में इकाई का अंक कौन है, 8, और दहाई का अंक 4। तो ये इकाई है और ये दहाई, तो हम इकाई के अंक को यहाँ पर लिख दीजिए और दहाई के अंक को हम फिलहाल क्या कर देंगे, हासिल बनाएंगे, इसलिए मैं गोला कर दे रही जी, आपकी समझ में। दूसरा स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप पूरा जो आपको संख्याएं दी हैं उनको लिखिए, ठीक जी। आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस जानते हैं ना, जी। क्रॉस बना के मल्टीप्लाई करना है, तो आप करिए 8 छक्को 32, 5 छक्का 20, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 का 2, 3 का 6। अब यहाँ हासिल क्या है, 4, इसको भी हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ो कितना आया, 4 2 6, और 6 का 6। तो अब देखो ये आपका इकाई का अंक है और ये किसका है, दहाई का, तो ये हमारा हासिल हो जाएगा और इसको हम यहाँ लिख देंगे, तो ये 6 हासिल हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप आपका जो 5 है इसको 4 से क्या करना है, हमने तो 5 छक्को 20, 20 में कितना जोड़ देंगे, 36, जो हमारे पास पहले हासिल था 6, इसको जोड़ दिया तो 20 में 6 जोड़ा 26, तो कितना आया 26, तो क्या आ गया इसका आंसर, 2600, 2600, ठीक है, तो आपको आया।